आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन के क्रम में तीसरा फंक्शन, और तीसरा फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। अभी देखिए मॉडुलस फंक्शन को हम, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, उससे बनाने से पहले इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले तो ये मालूम होना चाहिए किस टाइप का होता है। तो ये जो होता है ये इस टाइप का होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। किस टाइप का होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस का एक्स माइनस का एक्स। प्लस का एक्स आप तब लिखेंगे जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और माइनस का एक्स आप तब लिखेंगे जब लेस देन इक्वल टू जीरो। इसको हम वाई भी बोल देते हैं। अब इसका ग्राफ कैसे बनाना पहले इस पर चर्चा करते हैं। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर दो फंक्शन बनेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है तो दो टेबल इसकी बनेंगी। एक टेबल में ये बना देता हूँ, यहाँ एक्स ये वाई, एक दूसरी टेबल इधर। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स एक जगह मैंने क्या रखी, एक्स की वैल्यू प्लस में रखी 1, 2, 3, और एक में मैंने माइनस में रख देता हूँ, चलो -1, -2 और -3। अब जरा ध्यान देना, जब मैं यहाँ पे प्लस में वैल्यू रखूंगा तब वाई की जो वैल्यू आएगी वो भी प्लस में आएगी। अब चूंकि सेम टू सेम फंक्शन है, एक्स जो यहाँ रखोगे वही यहाँ आएगा। जब मैं यहाँ पे माइनस की वैल्यू रखूंगा एक्स के स्थान पर, जब माइनस की रखूंगा तो माइनस भी क्या करता, मोड उसको प्लस कर देता है, तो तब भी ये प्लस की आएंगी। जैसे देखिए मैंने क्या करा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, एक्स के स्थान पर मैंने माइनस वन रखा, तो मोड हम जानते हैं मोड के अंदर जो संख्या है बाहर निकलते ही प्लस में जाती है। ऐसे ही माइनस टू रखेंगे तो वो प्लस हो जाएगी, और माइनस थ्री रखेंगे तो वो भी प्लस की थ्री हो जाएगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप जरा इसको समझिए, बहुत आसान ग्राफ है। पहले दो एक्स वाली वैल्यू रख लीजिए 1, 2 और 3, दिस इज एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, और दिस इज आल्सो एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, और ये -1, -2 और -3। बाई की क्या होगी, 1, 2 और ये 3। सबसे पहले देखिए ये पॉइंट बुलाएंगे 1, 1, तो 1, 1 कहां पर है, ये आ गया 1, 1। दूसरा मिलाएंगे ये वाला पॉइंट 2, 2, कौन सा पॉइंट मिलाएंगे 2, 2, तो 2, 2 यह है। इसके बाद मिलाएंगे 3, 3, तो 3, 3 ये मिल गया, ये हो गया 3, 3। अब इन पॉइंट को पैमाने से मिला दीजिए तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसकी बात करते हैं x माइनस वन और y पर कैसा है, प्लस वन, तो यहाँ आ गया x माइनस दो और y कैसा, प्लस दो, ये आ गया x माइनस तीन और y प्लस तीन, ये आ गया। इनको फिर स्केल से मिला दीजिए, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो मोड एक्स है उसका ग्राफ इस प्रकार से बन गया। और इसकी अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। जो एक्स अक्ष होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो देखिए एक्स अक्ष क्या है, ये आगे तक इनफाइनाइट तक इस तरह जाएगा आगे भी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो डोमेन कैसी हो गई इसकी, ऑल रियल नंबर या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इसकी डोमेन हो गई। अब हम रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होती है, मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वो भी कवर द्वारा, वक्र द्वारा या कर्व द्वारा जो वाई एक्सिस पर कवर हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम जो वैल्यू है वो जीरो है, और मैक्सिमम कितनी, आगे तक और भी आप कर सकते हो इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट। तो रेंज इस फंक्शन कितनी हो गई, जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जीरो टू इनफाइनाइट, और डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर या माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। देखिए एक्स के दोनों में भाग है और वाई वाला नेगेटिव इसमें है, तो इसलिए क्या होगी, जीरो टू इनफाइनाइट। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि ये जो फंक्शन है वो किस प्रकार का है, इवन है, ओड है, या नीदर इवन नॉर ओड, तो किस टाइप का ये फंक्शन है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू मैंने माइनस रखी, यानी माइनस का टू रखा, माइनस का टू, तो सोलह कैसा आया, प्लस, यानी माइनस चिन्ह जो वो गायब हो जाता है। अब जब माइनस चिन्ह हमें अप्लाई करें और वो माइनस चिन्ह यहाँ से रिमूव हो जाए तो हम उस फंक्शन को कहते हैं इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन, तो हम इसे कहेंगे इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन कहेंगे, इवन फंक्शन। अब आगे चलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो पीरियोडिक फंक्शन उसको कहते हैं जब हम एक्स में कुछ प्लस करें और लौट के फिर वही फंक्शन आ जाए। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक्स में कुछ प्लस करेंगे
कि हम इसमें एक्स में कुछ प्लस करें यानी टी प्लस करें और लौट के भी एक्स आ जाए, लौट के एक्स नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश में हम कहेंगे कि नॉट पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहेंगे हम इसको? नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अब आगे चलते हैं चर्चा कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टिकली इंक्रीजिंग या स्टिकली डिक्रीजिंग। जरा ध्यान देंगे, ये यहां से यहां तक यानी कि माइनस इंफिनाइट से जीरो तक तो स्टिकली डिक्रीजिंग है, तो क्या स्टिकली डिक्रीजिंग? कहां से? माइनस इंफिनाइट टू जीरो, तो माइनस इंफिनाइट से जीरो तक कैसा है ये फंक्शन? स्टिकली डिक्रीजिंग। और यहां से देखिए सीधा ऊपर जा रहा है, तो जीरो से इंफिनाइट तक क्या? स्टिकली इंक्रीजिंग। तो ये फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग भी है और स्टिकली डिक्रीजिंग भी है। और एक बात और देखिए यहां पे, चूंकि ये टर्न भी ले रहा है, अब जो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है स्टिकली डिक्रीजिंग होता है उन्हीं फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिकली फंक्शन। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस इंफिनाइट से जीरो के बीच में ये मोनोटोनिकल फंक्शन है और जीरो से इनफाइनाइट के बीच में भी ये फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है। अब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमा अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट अगर ओपन इंटरवल में ले रहे हैं हम जीरो से इनफाइनाइट तक तो कोई भी मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। इसी तरह माइनस इनफिनाइट से अगर जीरो हम ओपन इंटरवल में देख रहे हैं तो इसमें भी कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा। लेकिन एग्जैक्ट जीरो की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो पर मिनिमम वैल्यू तो हो सकती है लेकिन मैक्सिमम का कोई डिफाइन नहीं है। तो हम मिनिमम तो थोड़ा इसको कह सकते हैं, वो भी केवल एग्जैक्ट जीरो पर, लेकिन इसके में मैक्सिमम के कोई डिफाइन नहीं है। अब देखिए अगर फंक्शन एफ वाई इज इक्वल टू मोड एक्स, यहाँ पीछे माइनस का साइन लगा हो, अगर माइनस का साइन लगा है तो इसका जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा इसका ग्राफ? इस तरह से, ठीक है। तो इसका इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इस फंक्शन की वही रहेगी माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट, लेकिन रेंज रेंज क्या होगी? माइनस इंफिनाइट टू जीरो। रेंज क्या होगी इसकी? माइनस इंफिनाइट टू जीरो, यानी मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। तो रेंज माइनस इंफिनाइट से जीरो और डोमेन माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट। एक बात और बता दें, हम इसका ग्राफ इस तरह से ही बना सकते हैं। मान लीजिए वाई बराबर एक्स ले लिया हमने और एक वाई बराबर हो गया माइनस एक्स, तो इन दोनों को कंबाइन करके भी हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। देखिए कैसे, वाई बराबर एक्स के बारे में हमें पता, मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण होती है तो मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण इस टाइप की हो गई, ठीक है। वाई बराबर माइनस एक्स ये भी मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण होती है और मूल बिंदु से जाने वाली समीकरण, लेकिन 135 अंश का कोण बना रही है, तो 135 अंश का कोण कैसे बनाएगी? इस साइड में, यहां से 135 का और ये 45 अंश का। तो इस तरह से ये y = mod x का ग्राफ हम बना सकते हैं। अगर इसमें देखो एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ डोमेन और रेंज के लिए। तो डोमेन और रेंज इसके निकालने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए। तो हम इसके अलावा कोई और फंक्शन आता है तो उसकी डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस चार, अब हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी। तो इसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए मोड लगा दें, इसकी डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है उसकी डोमेन और रेंज मालूम होनी चाहिए। तो देखिए ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन होगी वो तो वही होगी जो इसकी है, यानी ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन रेंज की बात करें तो रेंज इसकी चेंज हो जाएगी। हमने मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस सेट टू बी रेंज। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो रेंज थी पहले वाले की वो कितनी थी? जीरो टू इनफाइनाइट। कितनी थी रेंज इसकी? जीरो टू इनफाइनाइट, ये इस वाले की है। अब इसकी हमें निकालनी तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एक्स की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? फोर। कितनी आ गई? फोर। और जब इनफाइनाइट फिट करेंगे तो इस वाले फंक्शन की जो रेंज हो गई वो हो गई फोर टू इनफाइनाइट। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो रेंज क्या है इसकी? फोर, यानी कि ये जो है वन टू थ्री फोर यहां से टर्न करेगा, ऐसे ये इसका ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 टू इनफाइनाइट इसकी रेंज हो गई, और देखिए डोमेन वही हो गई क्योंकि ये इधर भी है, एक्स अक्ष भी घेर रहा है इसका, वाई अक्ष भी घेर रहा, तो डोमेन तो वही हो गई जो पहले वाले फंक्शन की, लेकिन रेंज कहाँ से होगी 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसी के स्थान पर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। आपके पास ये दे दीजिए 3 - k 2x + 5, ये है। तो ये जो फंक्शन है वो इस टाइप का है, किस टाइप का, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मोड एक्स, या इसकी जगह ये भी ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी, वाला फंक्शन हो या ये फंक्शन हो तो डोमेन और रेंज सेम रहती है। तो इसकी डोमेन और रेंज क्या थी, इस वाले फंक्शन की माइनस वाले की डोमेन थी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या थी माइनस इनफिनिट टू जीरो। अब हमें इस वाले फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है, तो देखिए इस डोमेन और फंक्शन की रेंज निकालने के लिए पहले तो निकालेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन तो वही रहेगी ओनली रियल नंबर, क्योंकि एक्स के प्लेस पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन रेंज की बात अगर हम करते हैं तो रेंज ऑफ द फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। तो मिनिमम वैल्यू देखिए यहाँ से माइनस इनफिनिटी टू जीरो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है तो मैक्सिमम थ्री आ गया, और यहाँ पे जो जीरो है अब यहाँ पर अगर इनफाइनाइट रख देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स क्या है देखिए माइनस में है तो माइनस इनफाइनाइट आएगा, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो होगी माइनस इनफाइनाइट टू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, अगर मैं जीरो हो जाए पूरी वैल्यू तो थ्री, तो इसकी जो रेंज हो गई माइनस इनफाइनाइट से थ्री। मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस और मैक्सिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाए जीरो, अगर यहाँ जीरो हो जाएगा ये तो कितनी हो जाएगी थ्री। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, तो जो माइनस वाली वो पहले लिखते हैं हमेशा और प्लस वाली हम लिखते हैं बाद में। तो इस तरह से ये मोड का फंक्शन हमने अब आपको बता दिया, मैं समझता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तक आपने बेसिक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना और उसकी डोमेन रेंज निकालना सीख लिया होगा। अब हम मॉडुलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ग्राफ बनाना सीखेंगे, जो कि आगे हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो जल्दी करते हैं वीडियो को शुरू। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो हमने पिछली वीडियो डाली थी पीरियोडिक फंक्शन वाली, उसमें फंडामेंटल लॉ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन में पॉइंट 4 स्किप हो गया था, तो मैं उसी पॉइंट को पहले बताऊंगा, फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है मॉडुलस फंक्शन की वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें देखिए क्या था फंडामेंटल लॉ में 4, लेट एफ एक्स बी पीरियोडिक फंक्शन, कोई एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन हो विद पीरियड टी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, देन पीरियड ऑफ अगर इस टाइप का है यानी कि जो एक्स वाला टर्म है वो लीनियर होना चाहिए, तो उसका जो पीरियड होता है इस पूरे फंक्शन का पीरियड अपॉन एक्स का कोफिशिएंट, ये होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए जैसे मान लीजिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स का जो पीरियड हम जानते हैं वो साइन एक्स का पीरियड होता है 2π। ठीक है, कितना होता है साइन एक्स का पीरियड 2π। इसी तरह देखिए यहां पर अगर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें यहां पर, तो तब भी उसका पीरियड चेंज नहीं होता, यानी कि वही रहता है 2π। अब यहां पर देखिए किसी x में अगर हम कुछ प्लस करते हैं, जैसे यहां पर c प्लस हो रहा है, तब भी देखिए पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि उसका जो पीरियड है वही रहेगा 2π। साइन का पीरियड कितना होता है 2π। अब यहां पर देखिए साइन x प्लस टेन की पावर 10 है, यानी साइन x में कोई कॉन्स्टेंट टर्म हम जोड़ते हैं जैसे d यहां पर जुड़ा हुआ है, तब भी इसका जो पीरियड है वो 2π रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ये देखिए अब यहां पर x के कोएफिशिएंट में अगर कुछ आ जाता है तो इसका पीरियड चेंज हो जाता है, और इसका पीरियड क्या होता है, ये होता है इस फंक्शन का पीरियड हम जानते हैं साइन का पीरियड होता है 2π अपॉन में क्या करना मोड ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट है 3। ठीक है, तो इसका मतलब इसका पीरियड हो गया 2π/3। इसी तरह से देखिए यहां पे है, ये यहां पे इवन ओड है, तो ओड का जो पीरियड होता है वो 2π ही होता है, लेकिन यहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो इसका जो पीरियड हो जाएगा t = 2π/3, x कोएफिशिएंट 3 है तो 3 हो जाए। ठीक है, अब यहां जब इवन होता तो इवन फंक्शन का हम जानते हैं साइन कॉस कॉस एक्स एक्स इन सब के जो पीरियड होते हैं वो पाई होते हैं। ठीक है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई तो वैसे रहेगा और अपॉन में क्या जाएगा
एक्स का कोफिशियंट यानी पाई अपॉन फाइव। बिल्कुल सेम ऐसी देखिए यहाँ पर साइन एक्स अपॉन थ्री, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, साइन एक्स का पीरियड हम जानते हैं ये होता है टू पाई अपॉन में क्या आएगा मोड वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री ऊपर जाके हो जाएगा सिक्स पाई। ठीक इसी तरह देखिए साइन क्यूब है, ये ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का पीरियड वही रहता है टू पाई अपॉन में कितना जाएगा इसका कोफिशियंट टू का मोड यानी टू, कितना फंक्शन पीरियड आ गया इसका पाई आ गया। अब यहां पर देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स है तो साइन कोस सेक कोसेक इन सबका जो पीरियड है इवन फंक्शन है तो पाई होता है। ठीक है तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई अपॉन मोड ऑफ एक्स का कोफिशियंट यानी पाई आ जाएगा यानी इसका पीरियड हो गया वन। ठीक है तो इस तरह से हम पीरियड इसमें निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको समझने के लिए कि अपॉन में बी कैसे आता है तो इसे समझने के लिए थोड़ा मैं ग्राफ की हेल्प से आपको समझा देता हूं। चलिए साइन एक्स के ग्राफ की सहायता से हम समझते हैं कि अगर एक्स की मल्टीप्लाई में वो लीनियर है एक्स की मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ जाता है तो पीरियड निकालने में उसके मोड से डिवाइड क्यों होता है। ठीक है तो जैसा कि साइन एक्स हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है पी इज इक्वल टू होता है टू पाई। तो यहां पर देखिए जो रेड वाला ग्राफ है यहां पे तो यहां पे एक टर्न यहां हमारा यानी कि ये हो गया पाई। ठीक है यहां से यहां तक इतना पाई होता है, उसके बाद इसने रेड वाले ग्राफ ने देखिए फिर दोबारा अपनी पोजीशन में लौट के आ गया। यानी कोई भी किसी का भी ग्राफ मूल बिंदु से चलकर और अपनी पोजीशन में दोबारा आ जाए, मूल बिंदु नहीं कहीं से भी चलकर दोबारा अपनी पोजीशन में जाता है तो वो उसका पीरियड कहलाता है। यानी कि ये जो साइन है उसका पीरियड हो गया टू पाई। ठीक तो ये जो रेड वाला है ये ग्राफ किसका है साइन एक्स का। ठीक दूसरा देखिए मैंने लिखा भी रेड से है, फिर जो नेक्स्ट है साइन टू एक्स ये नीला वाला है, इसने क्या करा देखिए टू पाई चलने में डबल स्पीड कर दी। यहां पर सिंगल स्पीड है यानी वन इंटू एक्स था, इसने एक राउंड लगाया, इसने क्या करे टू अगर एक्स में आया तो इसने दो राउंड लगा दिए। देख लीजिए आप यहां पे एक्स के स्थान पे कोई भी वैल्यू रख के भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी पाई बाई टू। अब देखिए यहां पे हम एक्स के स्थान पर पाई बाई टू रख दें, एक्स के स्थान पाई बाई टू से टू कट जाएगा तो साइन पाई यानी कि जो है पाई बाई टू में एक राउंड लगा देगा, जितना ये पाई में लगा रहा है पाई के बराबर ये पाई बाई टू में एक राउंड लगा देगा। ठीक है तो इसने क्या कर दिया देखिए नीले वाले ने एक यहां तक आया एक चक्कर फिर दो चक्कर लगा दिए, तो इसका मतलब इसका जो पीरियड हो गया चूंकि इसने चक्कर दो लगाए और पीरियड क्या होता है जो एक चक्कर होता है, तो वो इसलिए क्या करते हैं हम जो एक्स का कोफिशियंट है इसके पीरियड को एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसने दो चक्कर लगा दिए तो यहां पर क्या करा हमने टू से डिवाइड कर दिया। अगर ये तीन चक्कर लगा था ठीक है मान ली यहां पर थ्री एक्स होता तीन से डिवाइड कर दे, पांच होता तो पांच एक्स से डिवाइड कर देते, क्यों क्योंकि वो पहले वाले की तुलना में उससे डबल चल लेता, अगर टू आता थ्री होता तो वो तीन चक्कर लगा चुका होता तब तक जब तक कि साइन वाला केवल एक ही चक्कर लगाता है। ठीक है चार होता है यहां पर तो वो चार चक्कर लगाया होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि रेड ने एक चक्कर लगाया यहां तक और जबकि नीले वाले ने दो लगाए, वहीं देखिए ग्रीन वाला क्या हो गया इसका एंगल का हाफ हो गया। अब हम इसका पीरियड निकालें इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने बताया तो 2 पाई अपॉन मोड ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यानी कि कितना हो जाएगा 4 पाई यानी इसका जो पीरियड होगा 4 पाई यानी 4 पाई में एक चक्कर लगाएगा ये। ठीक है तो यहां पर देखिए पाई में इसने केवल 2 पाई में आधा चक्कर लगाया, ग्रीन वाला देखिए यहां से इसने आधा चक्कर लगाया 2 पाई में क्योंकि आधा है ना ये तो इसने आधा चक्कर लगाया, इसने यहां इन टू में दो थे तो दो चक्कर लगा दिए, यहां पर एक था तो यहां तक एक चक्कर लगाया रेड वाले ने, नीले वाले में दो थे तो दो चक्कर लगाए, ग्रीन वाले में एक्स का पूर्णांक आधा है तो उसने आधा चक्कर लगाया। ठीक है तो पूरा चक्कर जब आधा चक्कर टू पाई में लगाया तो आधा चक्कर और लगाएगा तब वो अपनी पोजीशन में आएगा, तो इसलिए ग्रीन वाले का जो पीरियड हो गया वो हो गया फोर पाई। ठीक है तो आप इस रूल से समझ सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं मॉडुलस स्कोर। अब देखिए यहाँ पे चार प्रॉपर्टी आपको दिख रही है मॉडुलस की, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडुलस हर जगह जाता है लिमिट में कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंशियल में इंटीग्रेशन में और हर जगह हमें परेशान करता है क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझी नहीं होती। तो देखिए ये चार प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, रटनी बिल्कुल नहीं है, बस ये जो आपको फोटो दिख रहा है नीला लाल रंग का ये बस आपके माइंड में रहना चाहिए, इसके आधार पर आप मॉडुलस जहां भी आ जाता है तो आप घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं इसको समझा रहा हूं आपको, बस ध्यान से इसको समझना क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मोड ऑफ मोड एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इज इक्वल टू होता प्लस माइनस ए। अब यहां चला समझेंगे कि
एम मोड ऑफ एक्स इजिकल टू, अगर ए है तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए कैसे होता है? तो मोड ऑफ एक्स का मतलब यह है कि यहां पे वाई जो दे रखा हमें, मोड ऑफ एक्स का मतलब वाई, वाई जो दे रखा है वो हमें ए दे रखा है, ठीक है। वाई मोड ऑफ एक्स का मतलब वाई इजिकल टू एफ एक्स होता है, या इसको हम वाई इजिकल टू मोड एक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी वाई इजिकल टू हमें क्या दे रखा है, यहां पर ए दे रखा है। तो ए कहां तक होगा, मान लीजिए यहां तक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीरो कोमा ए, ठीक। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू ले लें। अब देखिए इसके हम ये पैरल खींच दें तो कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली, यहां से यहां तक कितना है ये, यहां से यहां तक का ये ए है, तो ये भी तो ए हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ये ए है, ये वाली वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है ये हम यहां से निकाल लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्स इक्वल टू ए, तो यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो भी कितनी है, ए है यहां से, ठीक है। और ये कितनी है, ये भी ए है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस ए कोमा जीरो, और इसके जो कोऑर्डिनेट होगा प्लस का ए कोमा जीरो। तो एक्स कितना हो गया, देखिए एक्स, एक्स का मतलब है ये वाला भाग, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए और यहां पर प्लस है, यानी कि हम इसके बाई के कोरस्पॉन्ड यह वाला पॉइंट यहां पर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए इधर होगी, प्लस ए इधर होगी, यानी एक्स की जो हो जाएगा वो प्लस माइनस ए हो जाएगा, कब, अगर एक्स मोड एक्स इजकल टू ए हो, ठीक है। तो हमें चूंकि एक्स की वैल्यू लेनी होती है बस यहां पे और यहां पर, ठीक। अब देखिए इसी में हम समझते हैं सेकंड वाला, अब देखिए समझते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मोड एक्स बोले तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वाई इजिकल टू मोड एक्स है, यानी कि वाई इजिकल टू यहां पर है लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो अगर ये ए यहां तक है तो यहां पर ये है ए, यानी अगर ए है यहां पर, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कोमा ए। अब यहां पर लिखा लेस देन इक्वल टू ए, तो जो वाई की जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, ये सारी जो वैल्यू होंगी यहां से यहां तक की, ये सभी वैल्यू जो होंगी वो वाई की कहलाएंगी। अभी जो हमने कहा था वो केवल किनारे वाली वैल्यू थी, क्योंकि वहां पे इक्वल था, इक्वल में क्या होता है केवल फिक्स आंसर होते हैं, यहां पे केवल क्या था प्लस ए और माइनस ए, मोड एक्स एक्स क्या था प्लस ए और माइनस ए। यहां पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए कोमा जीरो, और इसके हो जाएंगे ए कोमा जीरो, ठीक है, क्योंकि यहां पे x इजिकल टू यहां से यहां तक का जाएगा a। अब देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या, मोड x लेस देन इक्वल टू a है, यानी कि ये सार जितनी भी वैल्यू होंगी यहां से यहां तक की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी वैल्यू जो है वो इसकी है x की। तो इसलिए यहां पे क्या लिखा, देखिए x बिलोंग्स टू, क्या लिखा है यहां पे, x बिलोंग्स टू कहां से, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, x लेस देन इक्वल टू a एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको समझ में आ जाए। अब यहीं पे देखिए आप समझते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को, ग्रेटर देन है तो क्या हुआ। अब देखिए यहां एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं, कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो भी a, और ये वाली जो दूरी है वो भी a क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो होती है वाई इक्वल टू एक्स, यानी कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। y इक्वल टू x का मतलब जो y की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, यहां पर y की वैल्यू a है तो इधर भी y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग a हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे y की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी घटेगी। तो यहां पर क्या है, देखिए ये जो है a से, यानी इससे कम है, जब कम है तो x की वैल्यू भी ऐसे कम होती चली जाएंगी। तो इस तरह से x जो हो गया वो माइनस ए प्लस ए के बीच में हो गया, इसको दो तरीके से ले सकते हैं। अब हम देखिए जो तीसरी कंडीशन है उसको भी ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। तो अब देखिए यहां पे, यहां लिखा है मोड एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी कि मोड एक्स की, मोड एक्स बोले तो बाई, यानी यहां जो बाई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, ए है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की जो मूल बिंदु से ए जो है वो ये है, ठीक है, ये ए है मूल बिंदु से, ठीक। अब क्या है, बाई क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन कहाँ होगा, ऊपर की होगा, बाई की वैल्यू बढ़ती कहां पर होंगी, ये वाली सारी बाई की वैल्यू होंगी, और इसके संगत एक्स की वैल्यू कौन सी होंगी, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएंगी। जब यहां पर बाई था तो यहां पर कितना हो गया, देखिये ए हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो, और इधर हो जाएगा
1.0। अब चूंकि देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है देखिए बढ़ती चली जाएंगी ऐसा करके, और कहाँ तक जाएंगी ये जाएंगी माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसी तरह से ये ऊपर तक और भी जाएगा, तो ये इसी तरह देखिए ये वैल्यू भी आगे क्या बढ़ती जाएंगी, कहाँ तक बढ़ेंगी ये पाई की वैल्यू, ये बढ़ेंगी प्लस के इन्फिनाइट तक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वाई जो है यानी कि मोड एक्स जो है वो ए से बड़ा या उसके बराबर है तो जो एक्स क्या होगा, देखिए एक्स होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट टू कहां से माइनस ए तक, इस पे ओ क्लोज इंटरवल। क्यों क्लोज इंटरवल, क्यों, क्योंकि यहां पर इक्वल लगा होगा, यूनियन ऑफ क्या होगा यहां से ए से यानी क्लोज इंटरवल ए से कहां तक इनफाइनाइट तक। एक तरीका तो ये लिखने का, दूसरा तरीका क्या, जैसे कि ये दिखा, दूसरा तरीका हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है कहां से ए से, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू है कहां से किससे ए से, ए से यानी एक्स की जो वैल्यू है वो ए से छोटी है माइनस ए से, माइनस ए से यानी एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ए से छोटी है, माइनस ए से छोटी कितनी होगी माइनस इनफाइनाइट तक, और एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये वाला लिख सकते हैं, और एक तरीका हमारा ये वाला है। ठीक है, तो हम इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपको बस दिमाग में मेमोराइज रहनी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पता होंगी तभी आप मोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या है, मोड ऑफ एक्स अगर ए से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो, यानी बाई जो है क्या है ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, लेस देन बी। तो मान लीजिए ए जो है वो यहां पर है, ये हो गया यहां से यहां तक ए, और बी ए से तो बड़ा है और बी से छोटा है, यहां से यहां तक का मान लीजिए ये बी है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए जीरो कोमा ए, और इसके हो जाएंगे जीरो कोमा बी, तो इसका भाग कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। यानी क्या कह रहा है वो, ए से तो बड़ा है इस, आपका देखिए इसमें इक्वल नहीं है, ठीक है ध्यान, जब इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल आएंगे सब में, ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो कौन सा वाला भाग हो गया, ये वाला भाग हो गया। अब इसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यू कौन सी होगी, देखिए यहां से यहां तक कितना था ए था, तो ये हो जाएगा माइनस ए कोमा जीरो, और लास्ट वाला जो था वो कितना था, ये था यहां पे बी, तो इसका हो जाएगा माइनस का बी कोमा जीरो। बिल्कुल इसी प्रकार से देखिए ये वाला, यहां पर कितना ए था, तो ये हो जाएगा ए कोमा जीरो, और लास्ट वाला कितना था, ये था बी, तो ये हो जाएगा बी कोमा जीरो। ठीक है, और बाकी इसकी सारी वैल्यू बीच में आएंगी ए और बी के बीच में। तो यहां पर देखिए एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ एक्स बिलोंग्स टू माइनस बी से ए, माइनस बी टू माइनस ए। अब यहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे क्योंकि यहां पर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा, यूनियन ऑफ क्या है ए टू बी। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, देखिए जब भी हमें ये दिया हो माइनस बी से ए यानी कि ये वाला इंटू ये आएगा फिर ए इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स जो है क्या है ग्रेटर देन, इसे लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, और यहां भी ये देखिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए एंड लेस देन इक्वल टू माइनस बी, बी से छोटे और ए से बड़े, एक्स की जो वैल्यू है माइनस ए से बड़ी है और बी से कैसी है छोटी है, तो हम इस तरह भी ले सकते हैं या इस तरह भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब जो होता है वो ये होता और। ठीक है, तो अब चलिए और प्रॉपर्टी समझते हैं इसकी। अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टी यानी कुल मिला के 10 प्रॉपर्टी हैं। अब देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी है एक भी प्रॉपर्टी इसमें रटने वाली नहीं है, सभी प्रॉपर्टी सजने वाली है। अब देखिए प्रॉपर्टी 5 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें हम मिस्टेक करते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स, कहने का मतलब यह है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जैसे अगर कोई वेरिएबल है तो चूंकि वेरिएबल का हमें जो है डिफाइन नहीं होता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो
तो इसलिए हम इसमें जो है मोड लगा देते हैं सर की, ठीक है। लेकिन कोई कांस्टेंट नंबर है तो ऑलवेज 3 रखेंगे। अब देखिए जैसे ये 9 है तो 9 को हम देखिए यूँ ले सकते हैं दो तरीके से, 9 को ले सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, और इसको हम यू भी ले सकते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि जो इसकी डेफिनेशन मोड के अंदर का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा ऑलवेज, इसलिए मोड लगाया जाता है, ठीक है। अगर मोड पे जानकारी आपको नहीं होगी तो यहाँ पे आप माइनस 3 रख दोगे जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मोड के अंदर ऑलवेज कोई भी नंबर हो जब भी वो बाहर आएगा तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नॉन निगेटिव रहेगा, ठीक है, नॉन निगेटिव। तो यहाँ 4 एनी रियल नंबर एक्स वी हैव ये ए बी आर पॉजिटिव नंबर। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली है एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, यानी कि हम बर्गमूल लेंगे तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि मोड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का बर्गमूल लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने बताया था क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल का बर्गमूल क्या हुआ मोड के अंदर लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम बर्गमूल लेंगे तो बर्गमूल लेने पे जो चूंकि x है x मोड के अंदर लिखा जाएगा, a चूंकि कांस्टेंट है और यहाँ पर कहा भी है कि a जो कैसा पॉजिटिव है, जब भी पॉजिटिव है तो हम इसे a ले सकते हैं, और ये हम बिल्कुल अभी पढ़ कर आए हैं। अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a हो तो x क्या होता है x मोर देन लेस देन इक्वल टू a, तो जो हमारा चित्र है वो देखिए दिमाग में रहना चाहिए जो अभी हमने बताया, a से नीचे की ओर, जब नीचे की ओर है तो इसका मतलब माइनस ए से जो होगा एक्स की वैल्यू बड़ी होगी और ए से कैसी होगी छोटी होगी, ठीक है। इसे हमने जो अभी प्रॉपर्टी बताई थी पीछे उसकी हेल्प से हम ले सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी से, देखिए ये वाली माइनस ए से प्लस ए के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये वाली, अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर तो बिल्कुल सेम यही कंडीशन है, तो मोड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, जब ये बड़ा है तो ये क्या होगा ए माइनस ए से छोटा होगा, माइनस ए से छोटा कितना इन्फाइनाइट तक, और x जो होगा वो a से बड़ा होगा जो अभी हमने प्रॉपर्टी बताई उसके हिसाब से, ठीक है। अब आठवीं प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से स्क्वायर रूट लिखा हो और हमें वर्गमूल लेना है तो a चूंकि a और b तो पॉजिटिव है तो इनके मोड हट जाएंगे, लेकिन x क्या है इसका वर्गमूल लेंगे तो मोड लगा देंगे, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करना, जो अभी हमने बताया था कि मोड ऑफ x लेस देन b और लेस देन a, यानी पलट जाता है x बिलोंग्स टू माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ऑफ a इंटू बी, ये वाली जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी चौथी वाली, ठीक है। तो इन चार ही प्रॉपर्टी का, इन चारों प्रॉपर्टी का, इन सभी पांच से लेकर आगे तक की जितनी प्रॉपर्टी इन सब में इनका यूज भी है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए नॉर्मली अगर मल्टीप्लाई है मॉडुलस में है तो उनको अलग अलग मॉडुलस में लिख देते हैं, बात एक ही होती है, और डिवाइड में है तब भी हम उनको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके पहले चलिए हम एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये है, इसको हमें सॉल्व करना, तो जो प्रॉपर्टी अभी हमने बताई है उसका यूज करके इसको सॉल्व करना। यहाँ पे जो मोड की वैल्यू वो 6 से बड़ी है लेकिन 9 से छोटी है, तो आपके दिमाग में चित्र ये रहना चाहिए, अगर ये दिमाग में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी बाई जो है वो 6 से बड़ा है और 9 से क्या है छोटा है, तो ये इसका ये वाला ये हो जाएगा माइनस का 9 और ये हो जाएगा माइनस का 6, इधर क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1 बाई बोले तो x प्लस 1 है यहाँ पे, जब हम इसे मोड हटाएंगे तो x प्लस 1 इज ग्रेटर देन किससे, अब यहाँ पर देखिए 9 पे अगर ग्रेटर देन 9 तो यहाँ पे लेस देन 6, अब यहाँ पे जो है ये माइनस का 9 माइनस का 6, अब जिस पे इक्वल भी लगा हुआ तो वहां हम लेस देन इक्वल लगा देंगे, और जिस पे 6 पे देखिए यहाँ पे कोई लेस देन है केवल तो वहां पर लेस देन ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा और क्या होगा इसका सॉल्यूशन, और होगा x प्लस 1 6 से 9 ग्रेटर देन 6 और लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। अब हमें x निकालना है तो सब में से x 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 1 माइनस 1 6 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, इस तरह इसको सोल्व करेंगे, यहाँ भी देखिए माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा x, यहाँ एक माइनस करेंगे ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसके आंसर को देखिए हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमें x के रूप में लिखना कैसे लिखें, x बिलोंग्स टू माइनस 10 क्लोज इंटरवल लिखेंगे माइनस के 10 छोटा वाला पहले लिखते हैं टू 5, और यहाँ पर लिखेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन ऑफ x की वैल्यू क्या 5 से बड़ी, यानी यहाँ पर ओपन इंटरवल
और यहाँ पे 8 विद क्लोज इंटरवल, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ 6 माइनस 6 था ये, तो माइनस 6 से ये हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 10 से 7, क्योंकि माइनस 9 to -6 था, यहाँ 6 to 9 था, ठीक है। तो बस ये हमें दिमाग में रहने चाहिए फिगर इसकी, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हमें सोल्व करना। तो देखिए हम प्रॉपर्टी से इसको अगर हम सोल्व करेंगे, तो जब लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 <= 1 है, तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे इस टाइप का है, लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब ये वाला आंसर हो गया, यानी कि -1 से +1। तो क्या होगा यहाँ पे, जब हम इसका मोड खोलेंगे तो 2 upon x - 4 ये होगा > -1 और > +1, ठीक है, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक। तो इसी को देखिए दूसरे तरीके से, इसे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन इसी को हम दूसरे तरीके से खोल सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करके। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कि मोड अगर ऊपर नीचे है तो हम दोनों का अलग अलग मोड लगा सकते हैं ऐसे यहाँ पे। तो देखिए हमें वो प्रॉपर्टी लगानी जिससे क्वेश्चन सोल्व हो, अगर इसे हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इससे थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, जो ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी ये वाली मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब चूंकि 2 तो मोड पॉजिटिव नंबर है, तो 2 से तो हम मोड से बाहर निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जबकि पहले हमने बताया था मॉडुलस फंक्शन में कि मॉडुलर फंक्शन में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर जब तक इनइक्वालिटी में हमने बताया था कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर हम उसे मल्टीप्लाई से मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, जब तक वो परिभाषित ना हो पॉजिटिव है या नेगेटिव है हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए मोड लगा हुआ है, जब मोड लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो हम x - 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मॉडुलस x - 4 से। जब मॉडुलस x - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा mod x - 4, ठीक है। अब इस वाले रूल के हिसाब से अब हम इसको खोल लो, ये क्या है, x - 4 > 2, तो 2 तो हम कैसे खोलेंगे इसको, > 2। तो देखिए जब मोड बाई की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तो इस हिसाब से जैसा कि अभी मैंने बताया था बाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 2 है, ये बड़ी है, तो क्या होगा आंसर इसका, ये वाले होंगे, यानी कि x belongs to, यहाँ x की जगह x - 4 होगा, ठीक है, x - 4 belongs to क्या होगा -∞, क्योंकि -∞ होगा यहाँ पे। अब 2 कहाँ तक, 2 है, 2 पे क्या लगाएंगे हम, क्लोज इंटरवल, यूनियन ऑफ कहाँ होगा इधर से 2 to ∞, यानी कि क्लोज इंटरवल 2 to ∞, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना क्या हमें, x निकालना, तो 4 देखिए सब में प्लस कर दीजिए, जब x 4 समय प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, इन्फिनिटी में प्लस करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 यूनियन, यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा 2 to ∞, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 to ∞, और यहाँ -∞ to 2 होगा, माइनस यहाँ माइनस रह गया, ठीक है। अब यहां पर जब 4 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, सब में 4 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया x belongs to -∞ to 2 और यूनियन ऑफ 6 to ∞। दूसरा हम यहां से भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है, यहां से तो वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम सोल्व करते आए, एक बार इसे इसे इक्वल ले लेंगे, एक बार इसको इक्वल ले लेंगे, आंसर यही आएगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से भी हम ग्राफ बना सकते हैं और बड़ी इजीली बना सकते हैं। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम प्लॉट करके ग्राफ नहीं बनाएंगे, यानी पॉइंट रख के ग्राफ नहीं बनाएंगे, उसमें काफी समय लगता है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे ग्राफ बनते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, वो आज हम इसमें बता रहे हैं।
तो देखिए सबसे पहला हमें कोई फंक्शन ऐसे दे रखा हो और हमें किसी फंक्शन पे मोड लगा दें, यानी कि उसे पॉजिटिव कर दें, तो उसके ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए कभी भी हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जैसे मान लीजिए हमें फंक्शन दे रखा है ये कोई एक्स दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब वाई इक्वल टू एक्स, और वाई इक्वल टू एक्स होती है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखिए इसको पॉजिटिव कर दिया यानी मोड लगा दिया, जब पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, इसका जो निगेटिव वाला भाग है वो हट जाएगा, निगेटिव का मतलब जो एक्स एक्स के डाउन में भाग है ये वाला, ये जो है पूरा इरेज हो जाएगा ऐसे करके। और जब ये इरेज हो जाएगा तो इसे क्या, इसकी जो है हमें मिरर इमेज ले लेनी किसके, अबाउट एक्स एक्सिस, जैसे लिखा इरेज द ग्राफ ऑफ डाउन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसे इरेज कर दीजिए, एंड टेक मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, और इसकी मिरर इमेज ले लीजिए। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, ये वाली होगी इसकी मिरर इमेज। तो देखिए ये इसका, जैसे इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाए, ठीक है। तो अब या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम सिमेट्रिक ले लेते हैं, अब हम देखिए एक्स एक्सिस इसको और फोल्ड कर दें तो ये वाली चीज जाके इधर चिपक जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको फोल्ड कर दें, मोड़ दें, तो जैसे ही मोड़ेंगे तो ग्रीन वाला भाग ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी तो हो गई ये ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। इसकी हेल्प से भी हम जो है ग्राफ बना सकते हैं, जब भी जो भी निगेटिव पोर्शन होगा उसको ऊपर की ओर सिमेट्रिक कर देंगे, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट उसकी मिरर बना देंगे और नीचे से उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समझते हैं दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या, देखिए समझे इसको बहुत अच्छे से। एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन टू एफ एक्स प्लस, यानी कोई फंक्शन हमें दे रखा हो अगर उस फंक्शन में हम कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें तो वो फंक्शन कैसे शिफ्ट होता है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम किसी फंक्शन में कुछ प्लस करते हैं तो वो पूरा फंक्शन उठ के ऊपर की ओर पहुंच जाता है, ऐसे जैसे यहां दिखाई दे रहा है वो ग्रीन वाला। पहले देखिए फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स दिया हुआ, तो हम जानते हैं मोड एक्स का ग्राफ ये होगा ग्रीन वाला जो पहले भाग में दे रखा। अब इसमें हमने क्या कर दिया, टू प्लस कर दिया, प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये दो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा पूरा, देखिए 0.2 यहां पर पूरा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर हम इसमें माइनस करते हैं तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो जाता है, देखिए ऐसे नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, टू माइनस करने पर। यहां हम इसे एक बात और कह सकते हैं, देखिए एफ एक्स को हम वाई भी तो बोलते हैं, तो इसका मतलब ये यही तो हो गया, वाई इजिकल टू मोड एक्स प्लस के टू तो हुआ ये वाला चीज, देखिए ये ध्यान से देखिए ये वाली y इजिकल टू मोड एक्स प्लस टू, यानी कि ये हो गया y माइनस टू, ठीक है। क्या हो जाएगा ये y माइनस के, y माइनस टू इजिकल टू मोड एक्स, ये तो हुआ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम y में से माइनस करते हैं तो वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम y में से माइनस करें तो क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए आप सोच रहे हो y माइनस से माइनस किया तो वो ऊपर की ओर हो गया। अब यहां पर दूसरे वाले की बात करें, इस वाले में देखिए इसमें क्या है, इसकी जगह अगर मैं बाय रख दूं तो क्या होगा, मोड एक्स माइनस का टू, तो टू इधर आके जो है प्लस हो जाएगा, यानी कि वाई प्लस टू इजिकल टू हो जाएगा मोड एक्स। तो क्या कर रहा, जब हम बाय में टू प्लस करेंगे तो वो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी का देखिए एक और है दूसरा वाला, क्या ये तो हो गया कि जब हम एफ एक्स में प्लस माइनस करते हैं, अगर हम केवल ए में करें यानी कि पूरे फंक्शन में प्लस माइनस न करके केवल एक्स में करें तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा वाला है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से समझिए। अब इसमें देखिए क्या है कि एफ एक्स ट्रांसफॉर्मेशन टू एफ एक्स प्लस है, यानी कि अगर हम एक्स में कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें तो वो ग्राफ कैसे बनता है। तो मान लीजिए ग्राफ देखिए हमें ये दे रखा है वाई इजिकल टू एफ एक्स, फिर हमने क्या करा इसमें प्लस के टू करा अब या माइनस के टू करा, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो y इजिकल टू एफ एक्स, एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स का ग्राफ ये होता, हम जानते हैं ये हमें दिया हुआ ग्रीन वाला। अब क्या करा, इस x में से हमने टू प्लस करा, जब टू प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस करने से जैसे y में प्लस कर रहे तो नीचे की ओर भाग रहा था, तो ये नीचे में भाग के लेफ्ट हैंड साइड में भागेगा, कितना भागेगा, दो। तो यहां पे इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस दो कोमा जीरो, ये किस वाले का, इस वाले का। और अगर यहां पे ये माइनस कर दें तो माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड में भागेगा, देखिए यहां पे ये भागेगा राइट हैंड साइड में माइनस दो कोमा जीरो, ठीक है, किधर भागेगा ये, राइट हैंड साइड में, कौन से वाले से, अगर हम एक्स में प्लस करते हैं, और बाई में करते हैं प्लस तो बाई में प्लस करते हैं तो नीचे की ओर भागेगा, ठीक है, और बाई में माइनस करते हैं तो ऊपर की ओर भागेगा, एक्स में प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में भागेगा, और एक्स में माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड में भागेगा, और पूरे फंक्शन में अगर हम प्लस करते हैं तो ऊपर की ओर अप हो जाता है, पूरे फंक्शन से माइनस करते हैं तो नीचे की ओर डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक बात और समझ लें, अब दूसरी बात देखिए, इसी चीज को जो मैंने अभी आपको बताई थी, यहां पर देखिए, अब देखिए एक एग्जाम्पल इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना, ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसका
ग्राफ बनाना, इस वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है। क्या है ग्राफ इसका? मॉडुलस एक्स माइनस टू का पूरे का मोड। ठीक है, तो कौन से वाले रूल से करेंगे हम? जब एफ एक्स हमें दे रखा हो और पूरे पे मोड लगा दें, तो इस रूल के हिसाब से हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सबसे अंदर वाला जो मोड है इसका ग्राफ बनाना होता है। तो अंदर वाला ग्राफ कौन सा? ये वाला देखिए, ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है? इसमें से माइनस टू करना। जब हम इसमें माइनस टू करेंगे तो पूरा फंक्शन नीचे को डाउन हो जाएगा। देखिए नीचे डाउन हो गया। सेकंड वाला भाग देखिए, एफ एक्स से जब ये वाला आएगा, ये वाला सेकंड वाला आएगा, तो जब एफ एक्स यानी पूरे में हमने पूरे फंक्शन में क्या दो माइनस कर दिया तो डाउन हो गया नीचे को। या यू करें, अगर मैं बाई मान लूं इसको, तो ये इधर आगे प्लस हो, बाई में टू प्लस कर दिया, तो बाई में टू प्लस करेंगे तो नीचे की ओर टू यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाला स्टेप। सेकंड वाला स्टेप क्या कहता है कि अब ये वाला फंक्शन है, अगर हम पूरे पे मोड लगाएंगे, तो देखिए पूरे मोड लगा दिया यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए इस वाले में पूरे मोड लगा दिया, ये हमें ये वाला ग्राफ दिया हुआ सेकंड वाला। ठीक है, ये दिया हुआ, अब इसकी हेल्प से ये लाना। तो जब पूरे पे मोड लगाते तो क्या कहता है? वो कहता है इरेज द ग्राफ और डाउन, तो नीचे वाला जो ग्राफ है इसको डाउन इरेज कर दो ऐसे करके। ये तो कहता इरेज द ग्राफ डाउन ऑफ एक्सेसिस एंड टेक मिरर इमेज अबाउट एक्सेसिस, और एक्सेसिस के अबाउट इसकी मिरर ले लो। कहने का मतलब है इसको एक्सेसिस से यहां से फोल्ड कर दो, फोल्ड करके इसे ऊपर चिपका दो। तो जब ऊपर चिपकाएंगे तो देखिए ऐसे चिपक जाएगा। तो ये हो गया इस वाले फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसी चीज को अगर हम पॉइंट न रख के बनाएंगे तो काफी देर लग जाती है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से फटाफट दिमाग में ही बताएंगे और उसके बाद इसकी बहुत चीजें हम निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? जैसे हमें मालूम है इस वाले फंक्शन की डोमेन, डोमेन क्या होगी इसकी? ओनली नंबर। रेंज क्या हो जाएगी? जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसी देखिए इस वाले फंक्शन की हम अगर हम रेंज की बात करें तो क्या हो जाएगी इसकी रेंज? माइनस टू टू इन्फिनिटी, यानी माइनस टू से लेके इन्फिनिटी। और डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? रेंज ऑफ द फंक्शन यानी माइनस टू से अगर इक्वल का लगा हुआ तो ये टू टू इन्फिनिटी, क्योंकि टू से ऊपर तक जा रही है। अब रेंज अब हम इसकी इसकी बात करें डोमेन की, डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ द फंक्शन और रियल नंबर। ठीक, अब इस वाले फंक्शन की बात करें तो आप देखिए इस वाले फंक्शन में अगर हम कहें कि भाई इसकी डोमेन और रेंज बताइए, तो अगर यहाँ से डोमेन कहा होगी यहाँ से यहाँ तक की ऑल रियल नंबर पूरा ऐसे आगे भी जा रहा होगा ही। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगी? यहाँ तक। ये पॉइंट कहाँ पर आया है ये देख लेंगे, पॉइंट कितना? माइनस टू है, तो ऊपर आ जाएगा टू कोमा जीरो, तो रेंज हो जाएगी जीरो से टू, क्योंकि जीरो से टू के बीच में जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो जीरो से टू इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी चीजें इसमें निकाल सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए यही बता सकते हैं कि ये कितने पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, जैसे ये एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ये जो फंक्शन है वो ये भी एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पे, क्योंकि शार्प कॉर्नर बनना है, और ये वाला इस वाले जीरो को माइनस टू पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और ये कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियल है? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये इन पॉइंटों का क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन शार्प कॉर्नर बनना है। ठीक, अब ये वाला फंक्शन जो है क्या, देखिए यहां से यहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां जीरो को माइनस टू से, यहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्या है? स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, चाहो तो इसका अगर पॉइंट लिख दें तो हम बता सकते हैं कहां पर इंक्रीजिंग है कहां पर डिक्रीजिंग है। अब चलिए इसी को देखते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला है अभी जो हमने बताया, इसी का जो हम ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। जब हम एक्स पे मोड लगाएं तो इसके हिसाब से देखिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना होता जो अभी मैंने बताया उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जैसे हमने पहले मोड एक्स से शुरुआत की थी, तो अब हम क्या करेंगे? इसे एक्स माइनस टू से शुरुआत करेंगे, यानी अंदर वाला जो मोड है उसे नहीं लेंगे, क्योंकि बाद में मोड लगाना हमें अंदर वाले पे। तो हम जानते हैं एक्स माइनस टू ये होता है इसका ग्राफ, यानी मूल बिंदु से जीरो कोमा माइनस टू से जाती है। ठीक, अब इसमें क्या करना? अब x पे मोड लगाना, यानी देखिए यहाँ x दिया हुआ, इस पे मोड लगा देना। ये x है तो इस पे x पे मोड लगाएंगे, तो मोड लगाएंगे तो देखिए ये लाइन देना, ध्यान से। इरेज द ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस, यानी y एक्स का जो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसको इरेज करना, ये वाला इसको इरेज करना। इरेज द ग्राफ और टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, और y एक्सिस के अबाउट इसको मिरर इमेज ले लेनी। तो y इस वाले की जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ भाग है, इरेज द ग्राफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस एंड टेक मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, जो बचा हुआ उसकी
उसकी यहाँ पे इमेज ले लेनी। कहने का मतलब ये है इसको बायस्ड के अबाउट इसको इरेज करके फोल्ड कर देना, जब फोल्ड करेंगे तो ये वाला इधर आके चिपक जाएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये चीज हमें मिल गई है, अब ये मिलनी है पूरे मोड लगाना। तो पूरे मोड लगाने के लिए करेंगे वही वाला पहले वाला रूल लगा देंगे, इरेज द ग्राफ डाउन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड चिपको ऊपर चिपका दो जाके इसमें, ये आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दो तरीके से इसका हम बना सकते हैं, पूरे फंक्शन पे भी मोड लगा के और केवल एक्स पे भी मोड लगा के। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि एक बार देखने में समझ में नहीं आता, इसे बार बार करना पड़ता है। अब देखिए एक और मैं ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा रहा हूं। जैसा देखिए ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमें ग्राफ बनाना ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से बनाऊंगा। ठीक, इसी तरह से इसको मैं यू भी ले सकता हूं। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम जानते हैं ये होता है ये वाला ग्राफ नीला वाला। ठीक है, नीला वाला नीले से बनाऊंगा। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या, इसमें हमने देखिए प्लस का फोर जोड़ दिया, इस वाले ब्लैक वाले में देखिए इसमें हमने क्या कर दिया फोर जोड़ दिया, तो ये पूरे का पूरा ग्राफ ऊपर की ओर फोर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना पूरे पे मोड लगा दिया। जब पूरे पे मोड लगाएंगे तो एक्स अक्ष के नीचे वाला जो भाग है, एक्स अक्ष के नीचे वाला जो भाग है कौन सा वाला, ये वाला, इसको इरेज कर देंगे। और इसकी जो है मिरर यानी इसको पॉजिटिव करना, जब पूरे मोड लगाएंगे पूरे पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसे नीचे से उठाकर ऊपर ले जाएंगे ऐसा करके। जब ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लेंगे जो अभी हमने इरेज किया था उसकी। तो देखिए ये इस टाइप का ग्राफ इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। और इसमें बनाने के बाद ये हमसे इसमें पूछ सकता है कि बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो हो रहा है क्योंकि किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हो रहा। अभी बताइए क्या ये फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है, तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट पर ही नॉन डिफ्रेंशिएबल है। ठीक है, बताइए ये जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पर कुछ कहीं यहाँ से यहाँ पर डिक्रीजिंग है और यहाँ पर अब मैक्सिमम मिनिमम है या नहीं है, तो इसमें देखिए मैक्सिमम पॉइंट भी जहाँ पर टर्न होता है तो वो मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम कहाँ पर है जहाँ पर ये नीचे से टर्न हो रहा है वो मिनिमम भी है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आप ग्राफ में इसकी बता सकते हैं पूरी अगर हमें ग्राफ इसका बनाना आता है। ठीक है, तो ये मैंने अब तक यहाँ पर देखिए मॉडुलस फंक्शन की पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी है, उसकी प्रॉपर्टी भी बता दी है और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कैसे ग्राफ बनाते हैं वो भी मैंने बता दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प की सहायता से मैंने यहाँ पे लघुगुणक मॉडुलस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन वाले बताए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम और ग्राफ को भी बना सकते हैं, यानी कि साइन को ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी फंक्शन है उनका भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। और जितने एलजेब्रिक हैं एक्स क्यूब है और भी हैं, तो इन सबका हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ग्राफ बना सकते हैं। और उसकी हम जो कुछ हमसे पूछेगा मीन कहते हैं डोमेन रेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी चीज जो भी हमसे पूछेगा वो हम उसकी बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।